Uh, send in questions about for their favorite celebrities. Okay. So the lady who sent a question in for you uh, is Bina Amir Khan okay. and she's asking, have you ever thought about acting? uh Honestly, not really. लेकिन अभी recently I thought के ठीक है, because मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल जैसे इन्होंने पूछा है, मुझे ऐसे बहुत सारे सवाल social media पे पूछे गए हैं। But बात वही है ना, you need time for that. माय हस्बैंड डज द सेम थिंग आई नो उनकी जॉब कितनी लंबी हो जाती है कोई आवर्स नहीं होते उनके कोई पर्टिकुलर yeah. तो फिर बच्चों को और घर को फिर टाइम देना तो मेरी प्रायोरिटी पहले ये है हाँ अगर मुझे कोई छोटा ऐसा हो जैसे टेलीफिल्म होती हैं या कुछ ऐसी चीजें कुछ छोटी

it's 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 a a it's a a tough one. It's a tough one one hmm. so tell me uh, how did you and Faisal meet we met at a wedding uh, मेरी कजन की शादी थी तो वहाँ पे हम मिले mm. और बस आई थिंकड टू से मेरा कुछ ऐसा वो सीन नहीं था बट ही approached एंड देन आई वॉज लाइक मुझे थोड़ा सा वही फियर था यू you नो know? वो जो एक चीज़ होती है कि शोबिस से क्योंकि क्योंकि मेरी फैमिली में कोई शोबे से नहीं था कोई उस तरह से कोई बैकग्राउंड नहीं था कुछ में नहीं था तो आप एक बिल्कुल बाहर से आए तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना भी एक थोड़ा सा मेरे लिए शुरू में थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती थी तो लेकिन मेरे पेरेंट्स को भी यही कंसर्न था

यही शोबिस वाला सीन था कि ये रिलायबल नहीं होते लोग आपको पता है जनरली अप्रोच यही होती है हाँ, कि पता याँ. नहीं किस तरह से होते हैं लोग क्या होते हैं तो वही बात थी और आपका कोई बैकग्राउंड ना हो तो फिर तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट या। तो माई खाला कन्विंस कन्विस्ट माई खाला वॉज लाइक like कि मेरी तो फ्लाइट है दस दिन में तो मेरे होते होते शादी करें <laughs> तो बस उस तरह से हमने डिसाइड किया कि निकाह होगा बट निकाह वाले दिन जैसे ही निकाह हुआ ना फैसल कहते हैं ओके मैं तो उसको लेके जा रहा हूँ

You're coming in from a from a background that's not used to the limelight mm -hmm. and ekdam se you're thrown like I said ki you didn't even get time to get to know him mm -hmm. or anything and then ekdam se you were thrown into yeah मुझे तो पहले फैसल को ही थोड़ा सा आपको पता है शादी चाहे आपकी सेलेब्रिटी से हो या किसी से भी हो आपको थोड़ा सा time लगता है to adjust yeah to settle down तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था और ज़्यादा टाइम तो यही अंडरस्टैंड करने में लगा था कि इनके वर्क आवर्स डिफरेंट होते हैं और मुझे कभी शौक़ नहीं था लाइम में आने का मैं, मुझे अभी भी उस तरह से नहीं है बट आई लाइक इट द वे यू नो कि उस पर्पज से शादी नहीं हुई थी यू नो कि आप किसी को आप ये सेलिब्रिटी से शादी होगी या तो आप लाइम में आ गए हैं तो आप कुछ भी कर लें नो हाँ। no.

इवन इफ द पर्सन इज़ नॉट डूंग एनीथिंग रॉन्ग तो आपको कुछ चीज़ें वो चीज़ अंडस्टैंड करने में टाइम लगेगा उसमें फैसल ने मुझे बड़ा अच्छा उन्होंने एक चीज़ किया था कि वाई डोंट यू कम टू द शूट शूट पर आ जाया करो और जबकि मैं फिर भी नहीं जाती थी शूट पे लेकिन ऑब्वियसली अच्छा। आपको ये चीज़ पता है अच्छा कभी भी मैं बहुत कम शूट पे जाती हूँ और अभी भी अब तो इसलिए थोड़ा सा जाना हो जाता है क्योंकि बच्चे होते हैं फैसल बैक टू तो बैक अगर शूट परिसिंग तो किड्स बच्चे स्कूल से आ गए हैं नैप लेके उठ गए हैं शाम को थोड़ा सा फ्री टाइम है तो इनको कहीं कहीं जाना है तो आप शूट पे मैं थोड़ी देर के लिए तो nice. फील नहीं होने दी कि मुझे कोई चीज फील होती थी तो वो मुझे उसको कम्फर्टेबली उसका यू uh, नो you know, कि मुझे ऐसे फील कराना कि ऐसी कोई बात नहीं है लॉट वो तो शी इज टेन ईयरस ओल्ड उसको obviously. तो शी नो इन फैक्ट शी डिड अ लिटिल रमजान ट्रांसमिशन में एक सेगमेंट भी उसने लास्ट ईयर किया था so, yeah, she... <laughs> <Yes. laughs> सो या थोड़ा, थोड़ा सा शौक है पर इतना नहीं है मूडी है और फरमान इज लाइक ओ बाबा बाबा टीवी पे बाबा आ जाए तो ही हैज टू गिव और कोई चैनल चेंज नहीं होगा कुछ नहीं होगा बाबा ही लगे होंगे जब तक वो खत्म खुद नहीं होगा Achha, then, like like I wanted to talk to you about you've carved an entire space out for yourself. Mm -hmm. um, how did that come along? Like, when did you start uh, blogging and when did you start, like, you know, your Instagram page and how did that whole thing come about? I started it about like five, six years ago and uh, just by putting, you know, maybe seven years ago. बाई पुटिंग माई डॉटर्स पिक्चर्स एंड यू नो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना मैं उस तरह की uh, ब्लॉगिंग तो नहीं करती हाँ। लेकिन मेरी मोस्टली ब्लॉगिंग मेरी स्टोरीज पर हाँ। होती हैं ना एंड आई टेल पीपल कि वट आई एम डूइंग वट आईम अबाउट टू डू और इस तरह की चीज़ें तो वो 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 बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है अब तो मैं सोची उसको थोड़ा सा ना प्रोफेशनली हम हाँ। कर दूँ बिकॉज फरमान इज ग्रोइंग और फरमान की चीज़ें इतनी इन्जॉय करते हैं एंड आई एम ऑल्सो इंजॉयंग एज अ मदर

उन्हीं के बारे में चीजें होती हैं उन्हीं के बारे में, कुछ stuff, yeah, you know, में क्या होता है इट्स वेरी नाइस इट्स रियली गुड आपको शेयर करनी चाहिए कि आप एज एन एक्टर जो आपकी एक मदर uh, जो मदरहुड है आपका जो एक दूसरी लाइफ आप रियल लाइफ जो आप दे, देख रहे हैं आप जी रहे हैं

तो आप उनको लें जिनके बच्चे हैं यू यू नो नो आई दैट थिंक नोटिंग मैटर दैट मैटर मैं जनरल बात कर रही रू कि ये चीजों को अवेयरनेस इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें hmm. तो वो इट्स वेरी वेरी मच फन एंड इंटरेस्टिंग अच्छा एक